सपने देखना बुरी बात नहीं होती, पर उन सपनों को पूरा नहीं करना सबसे बुरी बात होती है। हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्टर इंजीनियर प्रोग्रामर आदि बनना चाहते हैं, पर इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन ना मिलना। वो कहते नहीं है कि राइट इन्फॉर्मेशन इज द राइट पाथ एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय योर लाइफ। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? तो फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर इन्फो में फिर एक नई वीडियो के साथ, जिसका नाम है न्यूरोलॉजिस्ट। अगर आप भी एक न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हो और जानना चाहते हो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट कौन होता है, न्यूरोलॉजिस्ट की क्वालिफिकेशन क्या होती है, न्यूरोलॉजिस्ट की सैलरी क्या होती है, एक न्यूरोलॉजिस्ट बनने में कितने साल लगते हैं, और बहुत सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में। दोस्तों न्यूरोलॉजिस्ट एक डॉक्टर होता है जो नर्वस सिस्टम की बीमारी का इलाज करने में एक्सपर्ट होते हैं। नर्वस सिस्टम दो भाग से मिलकर बने होते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन भी शामिल होते हैं। न्यूरोलॉजी मेडिकल साइंस की वह शाखा है जिसमें नर्वस संबंधित रोगों का इलाज किया जाता है। नर्वस सिस्टम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और इनसे निकलने वाली नर्व से बना होता है। तंत्र के नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य मुख्यतः ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड द्वारा किया जाता है। दोस्तों न्यूरोलॉजी मेडिकल साइंस के फील्ड में कार्य करने वाले एक्सपर्ट को न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नस से संबंधित रोगों का इलाज करते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट को पूरे ध्यान से रोगी के रोग से जुड़ी मेडिकल हिस्ट्री का अध्ययन करना होता है। मरीज के सही रोग को पहचानने एवं उचित उपचार के लिए उस रोग के लक्षणों का बारीकी से विश्लेषण करना होता है। कई डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे कि ब्रेन का सीटी स्कैन, एमआरआई तथा ईजी आदि टेस्ट रोगों को सही से पहचानने में मदद करते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट बॉडी इंस्पेक्शन, डायग्नोस्टिक टेस्ट एवं एक्सपीरियंस से ज्यादातर रोगों का ट्रीटमेंट करने में एक्सपर्ट होते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट जिन रोगों का इलाज करते हैं उनमें से कुछ खास हैं, जैसे एपिलेप्सी, सर दर्द, सर्वोवैस्कुलर और होने वाली दुर्घटनाएं, स्कैम्बिक तथा होमोरोजिक तथा वेंस स्ट्रोक, न्यूरो इन्फेक्शन, न्यूरोपैथेज, मूवमेंट डिसऑर्डर, पार्किंसंस रोग, अनिद्रा आदि का इलाज करते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट मेडिसिन की सबसे लॉजिकल विधि है। ये क्षेत्र शोध और अनुसंधान के सबसे व्यापक अवसर से जुड़ी है, क्योंकि साइंटिस्ट ब्रेन से जुड़े रहस्यों की लगातार रिसर्च कर रहे हैं। वर्तमान में न्यूरोलॉजिस्ट की संख्या 1000 से कम है। ये देश में एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन की कमी के चलते है। इसके बाद जानते हैं एक न्यूरोलॉजिस्ट की क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों न्यूरोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको 10th में विशेष कर बायोलॉजी पर ज्यादा फोकस देना होगा, फिर 12th में आपको बॉटनी तथा जूलॉजी पर ज्यादा फोकस देना होगा। इसके बाद आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नीट UGC एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना होगा। 4.5 साल की बेसिक MBBS तथा 1 साल की इंटर्नशिप ट्रेनिंग के बाद आप 3 साल की MD मेडिसिन तथा पीडियाट्रिक्स करें, और इसके बाद 3 साल की DM और BDM न्यूरोलॉजी करें। DM लेवल पर सीट सीमित होती है, देश भर में मात्र 1000 सीटें होती है। इसके बाद ज्यादातर लोग विशेष क्षेत्र में अतिरिक्त फेलोशिप करते हैं, जैसे मूवमेंट डिसऑर्डर, स्ट्रोक, एपिलेप्सी आदि करते हैं। आइए इसमें जानते हैं कॉलेजेस के बारे में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, GB पंत हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज न्यू दिल्ली आदि कॉलेजेस को आप न्यूरोलॉजी के लिए चूज कर सकते हो। दोस्तों एक बात और नोट कर लीजिए, न्यूरोलॉजिस्ट कोर्स की ड्यूरेशन 11 से 15 साल होती है। दोस्तों यहाँ तक पहुँच ही गए तो चलिए जानते हैं न्यूरोलॉजिस्ट की एफिशिएंसी और स्किल्स के बारे में। दोस्तों एक न्यूरोलॉजिस्ट के अंदर पेशेंट को पहचान कर तुरंत ट्रीटमेंट करने की एफिशिएंसी होती है। एक न्यूरोलॉजिस्ट अपने पेशेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे रोगी को उपचार के साथ उसकी जान भी बच सके। पेशेंट को सुनने का धीरे तथा उसके प्रति सहानुभूति होती है। न्यूरोलॉजिस्ट को 24 घंटे 7 दिन काम करने का जज्बा होता है, साथ ही दवा में काम करने का पेशेंस भी। दोस्तों इतना कुछ सुनने के बाद आप न्यूरोलॉजिस्ट की सैलरी के बारे में जरूर जानना चाहोगे।
क्योंकि सैलरी एक ऐसी चीज होती है जो हर चीज में मस्ट होती है। दोस्तों गवर्नमेंट फील्ड में न्यूरोलॉजिस्ट की सैलरी 80,000 से 90,000 रुपए प्रति माह होती है। छठे वेतन आयोग के बाद इसके अलावा अलाउंस भी मिलते हैं, जैसे हाउस, नॉन प्रैक्टिकल अलाउंस, मेडिकल एजुकेशन में शामिल होने के लिए ट्रेवल अलाउंस भी मिलते हैं। दोस्तों वही बात करें प्राइवेट सेक्टर की, इसमें कुछ वर्ष के एक्सपीरियंस के बाद न्यूरोलॉजिस्ट को 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति माह मिलते हैं और एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद उसकी सैलरी 5 लाख तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों नीट से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और ऐसे ही बहुत सारी करियर से जुड़ी वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आपने अपना मूल्यवान समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।